एलआरडी के मंडल सदाशिवनगर में याचाराम इलाके पर कल रात को 23 साल मालूत अनिल अपना फ़ोन चार्जिंग के लिए लगाने के घर से वायर दूर रहने पर पलक पिन से वायर लेकर अपनी पलंग तक चार्जर को लगाया और सो गया। नींद की हालत में बर्की तार को हाथ लगने पर वो बर्क की जद में आ गया, जिस पर घर वालों ने उसे फौरी तौर पर कामरेडी के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल करने का मशवरा दिया। इस दौरान अनिल फौत हो गया। मुतवफ़ी की 3 साल कबल शादी हुई थी और उसे एक 1.5 साल बेटी है। एलआरडी म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण से आज मार्केट कमेटी ऑफिस पर बैरुटला इलाके के नौजवानों ने खैर सगाली मुलाकात करते हुए तहनियत पेश की और रुकन असेंबली मदमंदाओं की तरक्याती कामों की सताइश की। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में आज बाचूपल्ली एरावली मंडल में टीजी रिहायशी स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ का जिला कलेक्टर बीएम संतोष ने अचानक मुआयना किया और कलेक्टर ने क्लासरूम वगैरह का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने स्कूल में तालीम तलबा से मुलाकात की और मजामीन के तौर पर उनकी तालीमी काबिलियत का जायजा लिया। एडिशनल कलेक्टर नरसिंह राव के साथ मलदाखल मंडल के सियाशाम पल्ली गांव के दौरे किया और गांव में महकमे ज़राअत और बागबानी के जरिए किए जा रहे काम का मुआयना किया। गांव में काज किए गए अनार, नारंगी और पपीते के बागात का मुआयना किया। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में नदी गड्ढा हू जद्दोजहद कमेटी के सरतमाम जिले भर में कर्जा मुआफ़ी पर किसानों ने बड़ी तादाद में कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। किसानों ने कलेक्टर से कहा कि बाहर आकर उनकी अर्जी सुने। इस वक्त ये अर्जी किसानों ने कलेक्टर को सौंपी और बाद में कलेक्टर ने अर्जी वसूल की और कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही हुकूमत आवाम के लिए मिलाएगी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि हर खानदान को कर्ज मुआफ़ किया जाएगा। शुहदा की कुर्बानी की याद में पुलिस शुहदा यादगारी हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर निर्मल सब डिविजनल पुलिस ने शुहदा की कुर्बानियों की याद में टाउन गवर्नमेंट बिल्डिंग के इश्तराक से निर्मल सब डिविजनल पुलिस के तआवुन से मुनक़िदा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन ने खून का हथिया दिया। इस मौके पर निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत हो के मुल्क, शुहदा की कुर्बानियों की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। दूसरों की जिंदगी बचाना इंसानियत है। सेहतमंद अशखास को हर चेहमा में खून का देना चाहिए। डॉक्टर जानकी शमिला ने खून का हथिया देने वाले अहदेदारों की सताइश की। इस प्रोग्राम में निर्मल DSP ए गंगा रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार रामाकृष्णा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एलआरडी साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने कल माचापुर इलाके कांग्रेस पार्टी सदर यासीन की शादी के मौके पर हैदराबाद फंक्शन हॉल में शिरकत करके फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक ZPTC शामिल व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासबाबाद के कागजनगर में आज लॉरी ओनर्स एसोसिएशन सदर किशोर बाबू, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर, मुकामी कौंसलर शिव प्रसाद, MA वसीम, वनमला रामलू, जावेद मलन्ना और दीगर के अलावा एसोसिएशन कायदीन के साथ मिलकर रैली की शक्ल में चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए JK फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुतालबा किया कि JK फैक्ट्री की लकड़ियों की लारियों की आमद की वजह से मुकामी आवाम, कॉलेज के तलबा तालबात और कारोबार करने वाले लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, इसलिए चेक पोस्ट के जरिए कागजनगर JK फैक्ट्री को आने वाले की लॉरियों को बंद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज धरना दिया। एलआरडी कांग्रेस पार्टी मंडल सदर करोमा साई बाबा ने आज रुकन असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर भिकनौर इलाके के रहीमा बेगम का मकान मुनहदिम होने पर दौरा करते हुए मुआयना करके नगद रकम की इमदाद की और हुकूमत से हजाना दिलाने के साथ साथ डबल बेडरूम मकान दिलाने का तयकुन दिया। एलआरडी BJP पार्टी ऑफिस में आज पार्टी कारकुनों के साथ हंगामी इजलास मुनक़िद करते हुए रियासती कायद नीलम चिन्ना राजलू, जिले जनरल सेक्रेटरी रविंदर राव, असेंबली कन्वीनर लिंगा राव ने खिताब करते हुए हर बूथ में कम से कम 100 अरकान को रुकनियत देते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने का मशवरा दिया। मौजूदा देवनपल इलाके में घर घर जाकर BJP की रुकनियत शादी अंजाम दी गई। जिले के अभी आसिफाबाद के श्रीपुर टाउन और रियासत महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में हाथियों का काफिला तेलंगाना के तकरीबन 30 किलोमीटर दूर के फासले पर पहुंचने की तला मिलने पर तेलंगाना के सरहदी इलाकों के मुख्तलिफ गांव के कोड़म, चिंतला मंडी, बिजनौर, पंचकलपेट और सरहदी इलाकों में आवाम के दिलों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। इस सिलसिले में मुतालिका ग्राम पंचायत मुलाजमी की जानिब से दिन और रात के औकात में एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया।
एनआरडी के मलियालपल इलाके में प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स गुलाम शाकिर प्रवीण का तबादला अमल में आने पर सदर मदरिस विश्वनाथम, मदरिस संतोष, साबिक सरपंच इलना, सेक्रेटरी राजू और वेंकटेशम दत्तूराज शिखर ने शालपोशी गुलपोशी करके तहनीत पेश की। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट बालकुंडा व साबिक रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी की जानिब से पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को फौरी नाहल करार देने की हिमायत करते हुए वजीर आला रमेश रेड्डी व स्पीकर असेंबली प्रसाद कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी इस बारे में फौरी फैसला लेने का मुतालबा किया। तेलंगाना के अवाम रियासती हुकूमत की लापरवाही से मैरिज इंसेंटिव अवार्ड से महरूम होती जा रही है। इस बात से साबित होता है कि शादी की उम्र आने के बाद एक माजूर शख्स लड़का हो या लड़की किसी से शादी करने पर 1,00,000 रुपये फराहम करने के लिए इस स्कीम को कायम किया गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जगतिया जिले में 2022-23 में सिर्फ 19 अफराद ने इस स्कीम को हासिल करने की उम्मीद से दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनमें से सिर्फ 7 लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। इसी तरह 2023 और 2024 में देखा जाए तो जिले भर में 22 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की है, लेकिन उन लोगों को आज तक नफा हासिल नहीं हुआ। सफा बैतुलमाल शाख बहसा के वक्त ने आज डीएम ऑफिस में डीएम साहब से बस स्टेशन में उर्दू तहरीर से मुतालिक याददाश्त पेश करते हुए उनसे मुलाकात की और मुतालबा किया कि बस स्टेशन के पेलर्स पर देहातियों के नाम जो उर्दू में तहरीर थे उसे कपड़े की दुकानों के इश्तहारात फ्लेक्सी से ढांका गया, उसे फौरी हटाने का मुतालबा किया गया। रुकन असम्बली कड़ियम श्रीहरी ने कस्तूरबा गांधी स्कूल का अचानक किया मुआयना। लिंगला घनपुर मंडल मरकज में कस्तूरबा गांधी स्कूल का दौरा साबिक नायब वजीर आला व स्टेशन घनपुर के एमएलए कड़ियम श्रीहरी ने किया। इस मौके पर एमएलए ने स्कूल के अहाते किचन, स्टोर रूम और बाथरूम और क्लासरूम का मुआयना किया। तलबा से गुफ्तगू करते हुए उनके मसाइल पूछे। एमएलए कड़ियम श्रीहरी ने तलबा को यकीन दिलाया कि आप अच्छी तरह से मुतालिया करें। एमएलए ने स्कूल के अमले को मशवरा दिया कि वो यहाँ के बच्चों के साथ अपने बच्चों की तरह सलूक करें।